नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ बेक्ड चीज़ पटैटो। तो इसके लिए हमने ये सभी चीज़ें ली है। मैंने बॉयल पटैटो लिए, तो सबसे पहले हम पटैटो को कट कर लेते हैं। इसके मैंने बाहर से छिलके भी नहीं निकाले हैं, हम इसमें बीच में से कट कर रहे हैं। अब जो है हमें इसके बीच का जो हिस्सा है इसमें होल करना है, तो हमें पूरी तरह ही निकालना, बीच बीच का हल्का सा इस टाइप से निकाल लेंगे जिससे कि हम इसमें स्टफिंग भर जाए भर सकें। देखिए, हमने सभी को बीच में होल कर लिया है, सभी से हमने थोड़ा थोड़ा आलू बीच से निकाल के और उसमें गैप बना लिया है। अब हम बना लेते हैं इसकी स्टफिंग। अब मैंने लिए कुछ वेजिटेबल्स, मैंने लिया कैप्सिकम और कैरेट और ये कॉर्न। आप इसकी जगह अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं, या पनीर भी आप इसकी जगह ले सकते हैं। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बाउल में। अब इसी में मैं थोड़े से ये आलू इसमें ऐड कर लूँगी इसी का। अब इसमें मैं डालूँगी ये काली मिर्च पाउडर, तो ये मैंने लिया है 1/4 चम्मच। इसी में हम नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ी सी मैं डालूँगी इसमें चिल्ली फ्लेक्स, मैंने लिया है 1 चम्मच मेयोनीज, और मैं 1 चम्मच के करीबन डालूँगी इसमें मोज़रेला चीज़। अब मैं एक छोटा पीस बटर का ले रही हूँ, इसको मैं ग्रेटेड करके डालूँगी। तो ये स्टफिंग तो हमारी हो गई है रेडी, अब हम इनको फिल कर लेते हैं। मैंने सभी पटैटो फिल कर लिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे मोजरेला चीज। इसकी जगह आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम हल्की हल्की चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। अब डालेंगे इसके ऊपर ऑरिगेनो। तो अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो चलिए बेक कर लेते हैं। मैंने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे 200 डिग्री पे प्री हीट करना है, तो हम कर लेंगे प्री हीट। तो प्री हीट हो चुका है, अब इसमें हम डाल लेते हैं ये अपना रेड। दस मिनट का हम टाइम लेंगे, 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में, देन स्टार्ट। यार हमारे बेक्ड चीज पोटैटोस। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।